टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन या फिर हमें स्पोर फॉर्मेशन जो कहचे पिले तो स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस टा को ही हमें कौन कहचे ना स्पोरुलेशन बोली कहि थाउ बुझले तो स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस इज अदरवाइज नोन एज स्पोरुलेशन। देन स्पोर्स आर माइन्यूट बहुत छोटे छोटे थाए से बड़ा स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं सिंगल सेल यूजुअली एक ही सेल से बने होते हैं थिक वॉल रहता है वॉल जो रहता है बहुत ही थिक रहता है प्रोपाग्यूल्स। प्रोपाग्यूल्स का मतलब क्या है प्रोपाग्यूल जो कि एक मेन बॉडी होगा ओके एंड एक जो कि अटैच होकर रहेगा एंड वो डिटैच हो जाएगा मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाएगा मदर बॉडी से या फिर प्लांट बॉडी से भी बोल सकते हो। बहुत सारे केसेस में आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है जैसे कि आप बोल सकते हो एल्गी में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है एंड अदर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारा स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो प्रोपाग्यूल समझ में आया दिस इज अ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट डिटैच फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए न्यू बॉडी पूरा नया पहले मदर बॉडी के साथ अटैच रहेगा। डिस्पर्सिव इन स्ट्रक्चर मतलब जैसे दूसरी जगह को जा पाएगा विच आर फ्रॉम अ न्यू इंडिविजुअल एक जगह से और एक जगह में जाएगा और वहां पे फिर नया इंडिविजुअल बनाएगा। स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन मोनेरा कहां कहां कौन से किंगडम में देखो मोनेरा में भी होता है मतलब बैक्टीरिया में है ये प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्ट में भी देखा जाता है एल्गी एंड एनिमल्स में स्पोर नहीं होता है। मोटाइल हम जूस पर बोलते हैं एंड नॉन मोटाइल दूसरे दूसरे से क्या बोल सकते हो स्पोर एंजियोस्पोर कोनिडियोस्पोर्स ये सारे नॉन। गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मोटर माने होचे फ्लाजेला थिबो जहां द्वारा गोटे जागा रो आ गोटे जागा को जाई परिबो सो मोटाइल स्पोर त कहिबा आउ नॉन मोटाइल स्पोर कोन से मानकर कोनसी टाइप रो नथिबो कोन नथिबो ना एक्सटर्नल मूविंग स्ट्रक्चर बा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नथिबो जोतरे के से माने गोटे जागा रो आ गोटे जागा को मूव करके जाई परिबे देखि पारु छ एटा गोटा अछि तुम्हारा स्पोर। गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग स्पोर अच्छे एवं तार दिटा फ्लाजेला मध्ये अच्छे है ना सो ये फ्लाजेला साहाय्य से माने कोन मूव करके जाई परिबे एक जगह से और एक जगह में जा पाएंगे। जो स्पोर आर स्पेशल सो दिस आर नोन एज मोटाइल स्पोर ओके क्वेश्चन आएगा मोटाइल स्पोर इज नोन एज डैश आंसर होगा आपका जो स्पोर या फिर जो स्पोर इज नोन एज डैश मोटाइल स्पोर। द स्ट्रक्चर और द स्पोर हैविंग मूवेबल स्ट्रक्चर और मोटाइल स्ट्रक्चर और फ्लाजेला फॉर मूवमेंट इज नोन एज डायस्पोर जूस्पोर होगा आंसर। जूस्पोर और स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल फ्लाजेलेट स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द जूस्पोरांजिया। जूस्पोरांजिया के अंदर एक थिक कवर वॉल रहेगा एंड इसके अंदर बहुत सारे स्पोर फॉर्मेशन होंगे पहले सो इसको क्या बोला जाता है जूस्पोरांजिया बोला जाता है जिसके अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन होता है। द स्ट्रक्चर Inside which the juice spores are produced are known as dash. Question aayega, to aapka answer hoga juice sporangia. They are generally naked, without cell wall. So, inka kuch cell wall nahi hota hai. Flagella help, dekho inka cell wall nahi hota hai, ek membrane rahe bas rehta hai. Flagella jo hai help karta hai kis cheez ke liye? Movement ke liye, ya phir swim karne ke liye. Aquatic habitat mein swim karne ke liye flagella hai inke paas and proper dispersal ke liye bhi flagella help karta hai. Particularly ये जो है आपका जूस स्पोर इसी तरह का ही स्पोर के साथ जाके फर्टिलाइज होने के लिए हेल्प करता है दैट इज नोन एज प्रॉपर डिस्पर्सल। एंड मेनी एल्गी लाइक योर क्लामाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स ये सारे स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कौन जूस स्पोर आपको देखने को मिलेगा ठीक है। सो जूस स्पोर आर फाउंड इन दिस ऑर्गेनिजम्स तो ये आपको याद रखना है। तो जूस स्पोर सिंपली हम अगर बोलेंगे क्या है ये मोटाइल स्पोर है। देन देखेंगे कोनिडिया एंड क्लामाइडोस्पोर। कोनिडिया दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पता है आपको पेनिसिलियम नोटाटम
तो पेनिसिलियम में ये यूजुअली हमें देखने को मिलता है एंड अदर एस्कोमाइटिसिस। मतलब एस्कोमाइटिसिस कौन है? फंगाई है, एक टाइप का फंगी है। फंगी के क्लासिफिकेशन में देखा था हमने। सो एस्कोमाइसिटिस में एंड बहुत सारे पेनिसिलियम में ये देखने को मिलता है इस टाइप का स्पोर। कोनिडी आर नॉन मोटाइल, ये मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं, देखो कहीं पे भी इसका फ्लैजेला नहीं है। एंड कंस्ट्रिक्शन एट द टिप, कंस्ट्रिक्शन मतलब बनता जाएगा कहां पे? टिप में। देखो दिस आर द पोर्स, पूरा ऊपर ऊपर चेन लाइक बनता जाएगा। स्पेशल हाइफल ब्रांचेस, ये जो ब्रांच है बच्चों ये हाइफी है, तो एक हाइफल ब्रांचेस ले लो, उसके ऊपर क्या होगा, बनते जाएंगे बहुत सारे स्पोर्स। दिस स्पोर आर नोन एज योर कोनिडियोस्पोर। दे आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, एंडो मतलब अंदर होगा, एक्सो मतलब बाहर होगा, तो ये बाहर की तरफ प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक्सोजिनसली बोला गया। देन क्लामाइडोस्पोर, देखो दिस आर थिक वॉल्ड स्पोर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द हाइफल सेल। सो हाइफी का जो सेल हाइफल ब्रांच होता है, हाइफी से डायरेक्टली एक आपका एक्सटर्नल बनेगा और ये निकल जाएगा। थिक वॉल स्पोर, इसके चारों तरफ जो होता है, दे मे बी इंटरनल, टर्मिनल मतलब पूरा एंड में भी रहेगा, कभी कभी इंटरनल भी होता है। हाँ, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो स्पोर होता है क्लामाइडिया स्पोर या फिर क्लामाइडोस्पोर, इसके अंदर बच्चों रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, मतलब इसको खाना देने के लिए या फिर इसका नरिशमेंट एंड सर्वाइवल के लिए इसके पास फूड रिजर्व होके रहता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी उसको हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए। राइजोपस, अगरिकस, अमेजोटा कुछ हप्तु कहता हूँ, मशरूम, अगरिकस, राइजोपस रे भाया क्लामाइडोस्पोर देखा मिली था। नॉन मोटाइल एमानकर मध्य कौन मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लाजेला किछ भी नहीं। मैम पॉइंट 3 आउ 2 आउ 3 टा टिक आउतरे बुझे दियो तो दे मे बी टर्मिनल, यदि हमर ए ऊपर भाग रे होचे तयारी ताले टर्मिनल कहबा कोनिडिया टाइप रो, यदि भितरे रहउचे ताले हम इंटरनल कहबा, हला इंटरनली रहउचे, इंटरनली तयारी हो तापर बाहर जीवो बा कही परिबो, एटा जो हाइपी रहला मझा मझी कोठुडे तयारी हेतिबो ला। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल माने माने निज भितरे कोन रिजर्व फूड मटेरियल किछरा रखु चंती, ताकि मदर बॉडी रु बाहरी गला परे माने किछि दिन जाय कोन खाइबा पाइकी बचि परिबे। सबबेले माने नै कि कंडीशन बहुत भलो थिबो माने डिस्पर्सल हेइ परिबे बा एकु संगे संगे नुवा ऑर्गेनिज्म बाहरी परिबो। जब जाए कंडीशन भल पाई ना फेवरेबल कंडीशन तेज जाए कौन ये जो भितर रिजर्व फूड मटेरियल अच्छे खाद्य खाऊ बची थे। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आया आपका ओइडिया। सो ओइडिया फंगाई मशरूम the hyphae break up into various small fragments known as oidia. देखो hyphae है, ये hyphae आपका break होगा, बहुत सारे छोटे छोटे structure में ये आपका hyphae है, ये break होके बहुत सारा छोटा छोटा structure बन जाएगा। यही single single structure से आपका जो new organism बन जाएगा या फिर खड़ा हो जाएगा, उसको आप ओइडिया स्पोर बोलते हो। सो इन सम फंगाई द हाइफे ब्रेक अप इनटू न्यूमेरस स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट्स नोन एज ओइडिया। दे आर जनरली फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सेस वाटर सुगर एंड सर्टेन सॉल्ट। ओइडिया कैन मल्टीप्लाई बाय बडिंग। अभी ओइडिया जो बना है वो क्या करेगा, बडिंग करेगा, मतलब ये जो एक सेल है इसका फिर बर्ड निकलेगा, ये बर्ड ऑन मैच्योरेशन बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, दो हो गया, तो ओइडिया फर्दर आपका बडिंग करेगा। ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम माने कौन, जहां पर से माने लागी की रहेंगे। सबस्ट्रेटम मतलब एक बेस, एक पत्थर हो सकता है, आपका ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर कुछ कोई भी एक सबस्ट्रेट होगा जिसके ऊपर ये लग के रहेगा ये ऑर्गेनिज्म। सबस्ट्रेटम दे गिव राइज टू न्यू हाइफे। सो ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम मतलब क्या है, जिसके ऊपर ये रह रहे उसके ऊपर क्या होगा, एक न्यू हाइफे फिर से बनेगा इसका।
तो क्या है, फिर से बता रही हूँ, एगरिकस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई क्या होता है, जो हाइफी रहता है बच्चों, ये पहले क्या होता है आपका ब्रेक हो जाता है, यही हाइफी से फिर से क्या होता है न्यू एक बर्ड खड़ा उतरता है, ठीक है, ये बर्ड ऑन मैच्यूरेशन मदर बॉडी से रिलीज हो जाएगा, फिर अभी नया बन गए, तो ये क्या होगा आपका ग्रो होगा, एक्सेस वाटर सुगर एंड सटन सॉल्ट में, देन मल्टीप्लाई करेगा बॉडी थ्रू से एंड न्यू ऑर्गेनाइज्म ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो इसको अगर आप अगर हाइफी ब्रेक हो के जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है एंड उस और आपका क्या मतलब एक्स्ट्रा जैसे कि बर्डिंग होके फिर न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसको कौन सा टाइप का स्पोर बोलोगे आप, ओइडिया बोला जाता है उसको, ठीक है मैम। से जो बर्ड का न्यू फॉर्म हो छे ना, हां हां बर्ड का ही नया फॉर्म तार हाइफी रो तो बाहर थीले कोनिडियावडा कौन आबे मल्टीप्लाई केमती करबे बर्डिंग थ्रू रे हला। यस नेक्स्ट आसला स्पोरांजियोस्पोर। स्पोरांजियोस्पोर आपने बहुत सारों ने देखा होगा, वैसे आप अगर ब्रेड में भी देखते हो स्पोरांजियोस्पोर, ये है आपका स्पोरांजियोस्पोर, एक स्पोरांजिया बनेगा, ये स्पोरांजिया हाइफी के ऊपर स्पोरांजिया, स्पोरांजिया क्या करेगा बहुत सारा स्पोर्स अपने अंदर रखता है, ऑन बर्स्टिंग ये ब्रस्ट होने के बाद ये जो स्पोरे निकल के बाहर आएंगे जहां पे जहां के जाके गिरेंगे वहां पे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो स्पोरांजियोस्पोर क्या होता है, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरांजिया। स्पोरांजिया बताइए अभी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये स्पोरांजिया है आपका। स्पोरांजियोस्पोर आर ऑल्सो कॉल्ड एंडोस्पोर क्योंकि अंदर बनेगा, इसके अंदर बन रहा है एंडोस्पोर, दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम। ये मैच्योर होने के बाद फट जाएगा, ये एयर के थ्रू से या फिर विंड के थ्रू से घूमता रहेगा, जहां पे गिरेगा वहां पे फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। राइजोपर्स एंड म्यूकर ये दोनों एग्जांपल है। अभी तक हमने जितना पढ़ा, बर्डिंग हुआ बोलो या फिर स्पोरांजिया स्पोर बोलो या फिर स्पोर फॉर्मेशन बोलो, ये जो तीनों थे बच्चों ये स्ट्रिक्टली आपका बोला जाता है मेनली आपका होता है किसमें, एनिमल्स में बोल सकते हो या फिर एग्जैक्टली एनिमल तो नहीं बोलेंगे हम, मोनेरा ले लो, प्रोटिस्टा ले लो, फंगाई ले लो, ओके एंड एल्गी में भी। अभी हम जो देखेंगे आगे जाके वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये यूजुअली बच्चों प्लांट में देखने को मिलता है, प्लांट बॉडी में, ओके मैम। तो प्लांट में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड, कोई कुछ बोल रहा है क्या बोलो। यस मैम, स्पोरांजियोस्पोर क्या है? स्पोरांजियोस्पोर फॉर्म नहीं सर, स्पोरांजियोस्पोर माने स्पोरांजिया भीतरे तैयारी होतवा स्पोर को स्पोरांजियोस्पोर कहा जाए। स्पोरांजिया में कहिले मैच्योर स्ट्रक्चर टा होचे स्पोरांजिया, ता भीतर तैयारी होचे कोन स्पोर, सेतबे ताको स्पोरांजियोस्पोर कहा जाए, एटा गोटे एंडोस्पोर माने स्पोरांजिया भीतर तैयारी होची। मैं बुझेला। हां देखो द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहां पे देखने को मिलता है, यूजुअली प्लांट्स में, नेचुरल मेथड में भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मेथड में भी हो सकता है। अभी प्रोपागेशन क्या है हमें समझ में आ गया, मतलब एक्स्ट्रा जो आपका एक नया ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम प्रोपाग्यूल्स बोलेंगे या फिर प्रोपागेशन के थ्रू से अगर हो रहा है तो मतलब वो निकल के बॉडी से हो रहा है मेन बॉडी से वेजिटेटिवली विदाउट एनी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दो तरह के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मेथड में मेन आपका क्या है, रूट स्टेम एंड लीव्स, बट यहाँ पे और भी कैटेगरी हमने हमको देखने को मिलता है क्या क्या, रूट्स के अलावा अंडरग्राउंड स्टेम के अलावा सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम में भी देखने को मिलता है, एरियल शूट में भी देखने को मिलता है, मतलब एरियल स्टेम जो लीव्स में भी देखने को मिलता है, बल्बिस एंड ट्यूरियंस। सो दीज आर योर नेचुरल मेथड ऑफ
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब ये सारे नेचुरल मेथड है जिसके थ्रू से प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकता है असेक्सुअली, या फिर हम बोल सकते हैं विदाउट विदाउट एनी पार्टनर्स हेल्प। ठीक है, पहले देखेंगे रूट से कैसे होता है। देखो टैप रूट एंड एडवेंटेटियस रूट, कौन बता पाएगा मुझे टैप रूट एंड एडवेंटेटियस रूट क्या डिफरेंस है? टैप रूट सेकेंडरी आउ टर्शियरी एमती किछि रूट न थाय, प्राइमरी रूट हिं तार सब। अच्छा गोटे देखो जी ए हिसाब रे मते कहबो कोटा कोन हला। এটা এ এটা বি মানে কো কোটা কো এম এটা ট্যাপ রুট বিটা অ্যাডভান্টেজ এম এটা ট্যাপ রুট বিটা অ্যাডভান্টেজ রুট তাহলে বুঝি পারলো যে মানে বুঝি পারু নথলো টিকে বুঝো এটা এটা হচ্ছে কোন কোজন্দি ট্যাপ রুট ট্যাপ রুট মানে ইয়ার পেলে মেইন পুরা হি মেইন ভলিয়া হলা সমস্তকৰ ইকুৱালি কন্ট্ৰিবিউচন থিব মেইন পুরা গোচ্ছাই কি বাৰ থিব সবুড়া এক টাইপ দেখা যাব বাট অ্যাডভান্টেজ রুট রে কোন গটে মেইন রহিলা হলা তারপরে তার পুনি সব ব্রাঞ্চিং হেলা বুঝুছ তো? Yes ma'am হেলা হ্যাঁ তো বোথ ট্যাপ রুট এন্ড অ্যাডভেন্টেটিয়াস রুট টেক পার্ট ইন দা ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন মানে রুট রু নয়া গছ তৈরি হবা রুট সে নয়া প্লান্ট হো জায়গা ডালবার্গিয়া জেসে কি হাম সিসাম বলতে হ্যায় গুয়াভা ইয়ে পিজুড়ি পিজুড়ি দেন পপুলার আলবিজিয়া एंड आपका स्वीट पटेटो टैपियोका डालिया एस्पारागस एंड म्यूराया। सो इसमें आपका जो है रूट से रिप्रोडक्शन होता है, टैप रूट से भी हो सकता है एडवेंटेटियस रूट से भी होता है। मान लो ये हमने रूट लिया है, ओके रूट लिया है, रूट सिर्फ लेके और एक जगह में लगा देंगे फिर यहां से क्या होगा नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके so this type of reproduction is known as reproduction or vegetative propagation from roots. samajh mein aaya mane root ro hi nuwa gach kare hi jibo ta ko ame kon vegetative propagation by root kahiba ame example example uda mane rakhibo sab example important then next important asila underground stem स्टेम कौन स्टेम क्या है स्टेम किसको बोलेंगे मैम रूट का ऊपर वाले हिस्से को स्टेम बोलते हैं एग्जैक्टली ये आपका शूट पार्ट है ये आपका रूट पार्ट है तो रूट टा पहले तळा पार्ट शूट टा होचे ऊपर पार्ट शूट माने जाको गंडी कोचे ऊपर पोर्शन सेटा को ही हमें स्टेम कहिथाउ हला स्टेम माने कौन हो छि मेनली तुम्हारा शूट पार्ट रहला सेठी डिफरेंट टाइप रो कौन हो छि पुनी स्टेम भी बाहरी भी थाए गोटे गोटे गछ छोटो थांदी एडा मेन रहला तुम्हारा स्टेम पार्ट स्टेम माने मेनली मझी पोर्शन ता परे तुम्हारा कौन हो छि ब्रांच हेथबो सब जको हला शूट रो पुनी ब्रांचिंग हेथबो बहुत अधिका किंतु किछि किछि ता अछंती कौन गछ कोई कोई प्लांट है जिसमें कि आपका अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलता है जैसे कि आलू एंड अदरक। सो अर्कुएक पटेटो देन आपका ये दोनों मेनली आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूबर्स एंड नॉट बाय द सीड। सो ये जो है आपका ये क्या होता है यूजुअली सीड से प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें होता ही नहीं ये सीड आलू में। यहाँ पे देखे हो हमें जो कहो गजिया बाहर लाने पिले देखे हो और yes, आपका yes, और आय होता है आखि बड़ा था तो ये आखि उड़ा रोपिले कौन हम गजा बाहर है बर्ड कही था जर्मिनेटिंग बर्ड यू ही नुआ गच्छ तैयारी हुए आलुर ऊपर को थाए पत्र स्टेम सब थाए कि तले आलु गोछा गोछाई मानते चेर सब लगी था केबे आलू चासो देखिले जानी परिबो बा का घर जदी आलू चासो करा होतबो देखि थिबो राइट सो
तुमर ट्यूबर्स कौन कहे पे यूजुअली पटेटो है आर्टिचोक है युवक कौन होता है ट्यूबर प्रोडक्शन होता है सीड प्रोडक्शन करती आसला बल्बस बल्बस कहाँ पे देखेंगे गार्लिक ओनियन एंड नार्सिसस गार्लिक ओनियन में बल्बस होता है यूजुअली ऐसा लीफ स्केल होता है राइट लीफ स्केल होता है आपका ये मान लो ओनियन है आपका लीफ स्केल जो होता है तो यहां से ही नया बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बल्ब्स बोलेंगे गार्लिक में भी होता है ऐसा ही एंड आपका ओनियन में भी होता है ये प्रोसेस में तो अगर पूछेगा आपको गार्लिक एंड ओनियन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में तो आंसर होगा क्या बल्ब्स उसको भी अंडरग्राउंड स्टेम में ही हम कंसिडर करते हैं देन कॉर्न कॉर्न क्या है अमरफोफालस जामिकन जिसको बोलते हैं देन कोलोकासिया क्रोकस एंड फ्रेसिया ये सारों में क्या होगा कॉर्न से होगा कॉर्न क्या स्ट्रक्चर है अभी देख लेते हैं देखो ये देख पा रहे हो कॉर्न ये है राइजोम ये है रनर ये है ट्यूबर कुछ पाला पहले कॉर्न कोड़ा को से नो मैम बनाना कदली गच्छ के भी घरे लगाई छी लिखी छ यस मैम यस मैम तार कौन थाए ना तळ आड़ को ए भुलिया गोटे कौन तार गंडी रु ही तळ आड़ को बाहर की थाए पिले ताको ही काटिकरी आउ गोटे लगेदेले सेठु पुणिथरे ताको आमे कुआ कहिथाउ सेठु पुणिथरे नुआ गछ होइजिवो यार कदली गछर सीड फिट किछ नथाय तो कोकोया माओ बनाना शॉर्ट वर्टिकल सैलोन अंडरग्राउंड स्टेम इज प्रेजेंट तळको स्टेमटा ही बढी किथिबो पूरा मेंचिया भइकरी माने जेंती कहि परबो कोन एटा सारू बहुत बड्ड सारू भले सेइ भला स्ट्रक्चर देखाउतो हला सेइटा कोन तुमर न्यू शूट फ्रॉम The bud located on the top of the corn. ता ऊपर वो कौन है वो नुआ शूट तैयारी है वो इड देखिए पोर्चा ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इटू नुआ का दौरे का छत तैयारी है वो. So ये बड़ा तौले ना बहुत एम्प्टी फैली की था ऐसे तो हमें काटी की नहीं की लगे बागो पड़े इतने पुरी नुआ का दौरे का छत तैयारी हुए. मुझे लावे कॉर्न काउ का आज वो जो टा शूट पार्ट टा एक्सटेंडेड ही थी वो सही तो नुआ का छत तैयारी है जब तक हमें कॉर्न बली कहिवा है ना कॉर्न मैम एटा को काटे ही माटर पुतले मारिवो हां माटर पोता है जो सेटो पण नुवा गछ होई जो ओके तो बॉल्स बुझिला बॉल्स कोडा को चमे गाल्ली कोनियल रे बॉल्स मन रखिवो बॉल भेला स्ट्रक्चर सेटो बाहरु छी बॉल्स कहिवो आ कॉर्न कोडिया में कहबा कोलोकासिया क्रोकस ऑफ फ्रेशिया रे बनाना भी कहि परिवो राइजोम का को छे राइजोम से पुनी बनाना ने सेम सेम स्ट्रक्चर को हम राइजोम बोली भी कह परबा जिंजर टर्मरिक एकाका टाइप रो लागु छी हमको किंतु टिके टिके एउडा कोन हो छी सेम स्ट्रक्चर रो हमर पूरा रिप्रोडक्शन हे परु छी वेजिटेटिवली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होता है सो बनाना जिंजर टर्मरिक
एस्पिडियम एंड एडियंटम, इसमें राइजोम से होगा, राइजोम रूट लाइक स्ट्रक्चर पर रूट नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर स्टेम भी नहीं है, रूट या स्टेम कंफ्यूजन बहुत होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना है आपको ट्यूबर कौन सा एग्जाम्पल है, बल्ब कौन सा कॉर्म एंड राइजोम। देन सक्कर, सक्कर क्या है, मिंट एंड क्रिसैंथेमम, इसमें सक्कर से होता है, सक्कर माने कौन तड़ाड़े एमती बड़ी बड़ी थी से नुआ गच तैयारी हो सक्कर। देखो यह आपका शक्कर क्रिसैंथेमम का ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट है ये आपका, ये फिर एक शक्कर बढ़ा, ये और एक प्लांट बना, ये फिर शक्कर से और एक बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा और एक बनेगा, ऐसे है, ये है शक्कर। क्लियर? यस मैम। तो ये आपका क्या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर सारे, अभी देखेंगे सब एरियल और क्रीपी, ऊपर ग्राउंड के ऊपर जो क्रीप करेगा, रनर बोलेंगे, नीचे है तो सक्कर, ऊपर है तो रनर, लॉन, हम जब आपको दुब्बो घास कहे था, दुब ग्रास, लॉन ग्रास, सेंटेला और रनर है। स्टोलन्स, स्ट्रॉबेरी एंड वैलिसनेरिया में आपका स्टोलन से बनेगा। देन ऑफसेट, ऑफसेट माने कौन, ये देखो ऑफसेट रोइटी डायग्राम दिया जी, ऑफसेट ऑफसेट रनर टाइप का ही है, ठीक है, मतलब मेन ब्रांच ऐसे ही जाएगा और यहाँ से रूट निकलेगा, यहाँ से ऊपर से शूट निकलेगा, ये है आपका ऑफसेट। ऑफसेट से ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट हेल्प इन प्रोपागेशन, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, नया पेड़ हो जाएगा, यहाँ से फिर ब्रेक हो जाएगा प्रोपागेशन। आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ जिसको बोला जाता है, देन पिस्टिया वाटर लेट्यूस, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया में आपका क्या होगा ऑफसेट से बनेगा। स्टोलन से एग्जाम्पल कौन सा है, स्ट्रॉबेरी एंड वैलिसनेरिया, वैसे रनर का एग्जाम्पल लॉन ग्रास सेंटेला। कौन से स्ट्रक्चर में है, कौन सा एग्जाम्पल है, वही याद रखना है आपको, उसी से ही क्वेश्चन आता है। एरियल स्टेम अभी पूरा ऊपर एरियल, सब एरियल देख ले, माटी जस्ट आगे की थी अभी पूरा एरियल स्टेम। So, aerial should be कोई परिवार था को, they occur in opuntia and some other plant. Opuntia को right है, कौन टा जाते होगा छोटे ना? Other plant which can form a new plant. Sugar cane is propagated by planting segment of the stem. Stem रूप 100 जिधि काटी की लगे दबा, stem से एक छोटा सा piece आप लगा दोगे काट के तो वहीं से नया पेड़ हो जाएगा. Having at least one node, एक node होना चाहिए उसमें, हाँ? सुगर केन जो था नोड था कि नहीं देखी ना गंठी था जो गंठी थी आठ काटिक लगे जी नुआ गई गंठी जाक कहे नोड एवं लिवस एटा शुणी अमर पुई ब्रायोफाइलम तो बेगोनिया ब्रायोफाइलम केलाकांचोए एंड स्टेप्टोकार्पस इनका क्या होता है जो लीफ होता है उसके साइड से न्यू बर्ड एडवेंटेजियस बर्ड बनेगा और वहीं से न्यू प्लांट हो जाएगा। फिर एडियंटम कोडाटम इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न बिकॉज इट्स हिप टिप फॉर्म अ न्यू प्लांट व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल, उसको क्या बोला जाता है वॉकिंग फर्न। क्वेश्चन आएगा आपका डैश इज नोन एज वॉकिंग फर्न एडियंटम होगा ऑप्शन में, या फिर बोलेगा वॉकिंग फर्न इज नोन एज एडियंटम, एडियंटम इज अदरवाइज नोन एज डैश वॉकिंग फॉर्न, बिकॉज क्यों होता है ये अगर आपका मिट्टी को छूता है तो क्या होगा वहीं से नया पेड़ फिर से होगा, बिकॉज इट्स लीफ, लीफ जो है हाँ फॉर्म द न्यू प्लांट व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, लीव्स हो गया। बुलबिस देखो ये है आपका बुलबिस, टूरियंस, टूरियंस क्या है आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ वाटर प्लांट, पानी में जो जो प्लांट ग्रो करते हैं वही वहां पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको
ओटामोजेटन एंड यूट्रिकुलरिया. देखो ये पानी है, पानी में ग्रो कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपका ट्यूरियन है. ट्यूरियन मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आपका, ये स्ट्रक्चर से नया नया प्लांट फिर से हो जाएगा पानी में ही. ये पानी में दिखते हैं, ये ट्यूरियंस आर फाउंड इन ए नंबर ऑफ वाटर प्लांट्स. ट्यूरियन से नया प्लांट शुरू हो जाता है, या फिर नया प्लांट यहाँ इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ट्यूरियन से. तो आपका क्वेश्चन आएगा अगर पोटामोर्जेटन एंड यूट्रिकुलरिया में कैसे फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट, तो ट्यूरियन से. ये रहा नेचुरल मेथड. मतलब नेचुरली प्लांट ऐसे ऐसे खुद का रिप्रोडक्शन करवा सकता है वेजिटेटिवली, या फिर बोल सकते हो विदाउट एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. अभी देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड क्या है या फिर मैन मेड मेथड. हमने जब देखा प्लांट में इतने सारे स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से हम नया प्लांट बना सकते हैं, तो हमने आर्टिफिशियल मेथड शुरू किया. समझ में आ रहा है, जब हमने देखा कि प्लांट में इतने सारे स्ट्रक्चर हैं जिसको लेके कि हम क्या आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, तभी हमने आर्टिफिशियल मेथड शुरू किया. तो आर्टिफिशियल मेथड क्या था मेरे लिए, कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. सो ये था कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग, ये तीनों मेन है. उसके अलावा और एक जो है टिश्यू कल्चर, जिसको हम माइक्रो प्रोपागेशन भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन. तो पहला है कटिंग. एक प्लांट का जैसे आप बोलोगे हिबिस्कस, उसको कट कर लो, रोज कट करके स्टेम लेके लगा दो, वहां से नया प्लांट हो जाएगा. या फिर आप बोल सकते हो और बहुत सारे भी वैसे प्लांट है, ठीक है. कटिंग आर कट पीसेस ऑफ रूट. वो क्या क्या चीज का हो सकता है, प्लांट का कौन सा पार्ट का हो सकता है, रूट का कट पीस हो सकता है बच्चों, स्टेम का हो सकता है, लीव्स का हो सकता है, विच आर प्लांटेड इन नर्सरी. नर्सरी में जो जाके क्या किया जाएगा, मतलब यूजुअली नर्सरी में यही पार्ट से लगाते हैं, और थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद उसको क्या करेंगे, वहां से फिर से कट करके फिर भी लगा, मतलब आपका वही से ही रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं. तुम्हें देखी जा नर्सरी हो, हमें घरे मध्य मंदारे गच्छ अच्छे तार डाल ले आ गोटे जगह लगेदे, सीट पुणी होगा टगर गच्छर डाल नहीं लगेदे, सीट पुणी आउे नुआ गच होना. से भाया जो करुचे से तुम कौन कह रूट रू स्टेम रू डिफरेंट पार्ट को काटिकी लगे पार. फॉर दिस रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स आर यूज. यदि रूट नहीं की लगेचे, रूट लगाए हैं तो रूट प्रोमोटिंग केमिकल देंगे, अगर शूट लगा रहे हैं तो शूट प्रोमोटिंग केमिकल देंगे. ओके रूट प्रोमोटिंग केमिकल क्या है, आईबीए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड एनएनए नाफ्थलिन एसिटिक एसिड. ये दोनों आपका रूट कटिंग के लिए, स्टेम कटिंग के लिए एंड लीफ कटिंग के लिए भी यूज हो सकता है, बट रूट के लिए मेन है. क्या क्या है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड नाफ्थलिन एसिटिक एसिड यूज होता है रूट प्रोमोटिंग के लिए. यह है कटिंग आपका. Part of stem is cut and grow into new plant when placed in the moist soil. Mango, guava, lychee, lemon and rose. इन सब का हो सकता है कटिंग से ही. अभी एग्जाम्पल दिया आपका रूट कटिंग, कौन सा प्लांट से न्यू प्लांट होगा, स्टेम कटिंग से कौन से प्लांट से होगा एंड लीफ कटिंग से कौन से प्लांट से नया प्लांट हो सकता है. रूट कटिंग का एग्जाम्पल देखो बच्चों, रसबेरी हो गया आपका, ब्लैकबेरी, लेमन एंड ऑरेंज रूट कटिंग से हो सकता है. स्टेम कटिंग कॉमन मेथड इन प्लांट प्रोपगेशन, रोज सुगर केन बहुत सारे होता है ऐसे, दुनांता देन साइट्रस, बहुत सारे साइट्रस फूड में लेम्बू कमला में जो कहुचे, ग्रेप्स देन कॉफी, क्लेरोडेंट्रॉन टी, बोगनविलिया, क्रोटन, चाइना रोज देन कैमसन एंड कैपियोका. यहाँ हमें स्टेम कटिंग देखने को मिलेगा. लीफ कटिंग क्या है आपका, सांसेवियरिया, स्नेक प्लांट जिसको बोला जाता है, बेगोनिया एंड ब्रायोफाइलम, ये तीनों में आपका लीफ कटिंग से हो सकता है न्यू प्लांट. देन फाइनली आया लेयरिंग. लेयरिंग क्या है, अगर एक प्लांट है गोटे प्लांट अच्छी भाभी दियो, गोटे प्लांट अच्छी तार पूरा कौन ना भाया लंबिक शूट पार्ट, या को कौन करवा टाणी आने तला आड़ एवं मटी रू टे उठे ऊपर को छाड़ दवा कि दिन देखा ये तुम कौन ब्रांच ग्रो कर सारी लिफ आसी सारी है
ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମେ କଟ୍ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ମେନ୍ ବଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯଦି କଟ୍ କରିଦଉଛେ ଏଠି ମାଟି ଅଛି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ ଏବେ ୟାର ଯୋଉ ବଡ ଡାଳ ହବ ତାକୁ ପୁଣି ନବା ସେମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରିପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଲେୟାରିଂ କୁହାଯାଏ ମାଟିର ହେଲ୍ପରେ ନଉଛ ସେଥିପାଇଁ ସଏଲ ଲେୟାରିଂ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଲେୟାରିଂ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମାଉଣ୍ଟ ଲେୟାରିଂ ମାଟି ତଳେ କିଛିଟା ପୋର୍ସନ ରହିଲା ଉପରକୁ ଆମେ ମାଟି ଦେଇଦେଲେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ସୁଟ୍ ପାର୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ତାକୁ କାଟିକି ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗା ଲଗେଇ ପାରିବା ଆପଲ ପିଆର କୁଇନ୍ସି ଦେନ୍ କାରାନ୍ ଗ୍ଲୋସବେରି ଜାସ୍ମିନରେ ମାଉଣ୍ଟ ଲେୟାରିଂ ହେଇଥାଏ ସେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଲେୟାରିଂର ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇବି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଲେୟାରିଂର ଆମେ ଦେଖିବା ପିକ୍ଚର କେମିତି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେୟାରିଂ ଟାଣି ଆଣିକି ତାର ସୁଟ୍ ପାର୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଲଗା ହେଲା ଏବେ ଇଏ ଟିକେ ବଢିଗଲା ପରେ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର କଲଗା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ମାଉଣ୍ଟ ଲେୟାରିଂ ବୁଝିଲ ମାଉଣ୍ଟ ଲେୟାରିଂର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇବି ଗୋଟି ଅର୍ ଏୟାର ଲେୟାରିଂ ଏୟାର ଲେୟାରିଂ ମାନେ ଏଇଟା ଧର ଗଛଟି ଅଛି ତୁମର ଲମ୍ବିଛି ତାର ଇଏ ଏଇଠି କଣ କରାହବ ନା ଏଇଠି ତୁମର କେମିକାଲ ଦିଆହବ ମାଟି ଦିଆହବ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ କଣ ହବ ନା ପଲିଥିନ ଗୁଡା ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ଦେଖାଯିବ ସେଇଠୁ ନୂଆ ଗଛ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଏଇଠୁ କଟ୍ କରିଦବା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମାଟି ପୋତିଦବା ଓକେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ସିମ୍ପଲି ଲେୟାରିଂ ବୋଲି ବା ଏୟାର ଲେୟାରିଂ ବୋଲି କହିବା ସିମ୍ପଲ ଲେୟାରିଂ କୋଉଥିରେ ହେଇଥାଏ ଚେରି ଜାସ୍ମିନ ଗ୍ରେପ୍ ଆଉ ୱାଇନ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିଲି ମାଟିରେ ପୋତିକି ନବା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଲେୟାରିଂ ହଉଛି ବାଲନଟ୍ ଆଉ ମଲବେରୀ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ତାପରେ ଡ୍ରପ୍ ଲେୟାରିଂ ଆଉ ରହିଲା ତୁମର କଣ ଟିପ୍ ଲେୟାରିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହା କାହା ଉପରୁ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଦେଖ ମାଉଣ୍ଟ ଲେୟାରରେ ଆସେ ଏୟାର ଲେୟାରିଂ ତାପରେ ସର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲେୟାରିଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ପୋତି ପୋତି ଯଦି ନେଇଥିବା ତାକୁ ସର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲେୟାରିଂ କୁହାଯିବ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲେୟାରିଂରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ମାନେ ଝୁଲୁଥିବା ଡାଳକୁ ନେଇକି କରିପାରିବ ହେଲା ଏୟାର ଲେୟାରିଂ କଣ ଝୁଲୁଥିବା ଡାଳକୁ ନେଇକି କରିପାରିବ ସିମ୍ପଲ ଲେୟାରିଂ ମୁଁ ଯେମିତି ବତେଇଲି ଟାଣିକି ତଳରୁ ଉପରକୁ ନିଆ ହେଇଯାଏ ତଳେ ଟିକେ ମାଟି ସହିତ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ସେଠୁ ପୁଣି ନୂଆ ଗଛ ବାହାରିଯିବ ଟିପ୍ ଲେୟାରିଂ ଦେଖୁ ଟିପ୍ ଓଲାକେ ନିଚେ କେତେର ମଝିରେ ତଳେ ଆଣି ଧସେଇ ଦେବେ ମାଟିରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ନୂଆ ଗଛ ବାହାରିବ ସର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲେୟାରିଂ ସିମ୍ପଲ ଲେୟାରିଂ ମେ ଅଗର ଆପ ବହୁତ ଜାଗା ମେ ଆପ ଅନ୍ଦର କେ ତରଫ ଉସକୋ ଲେତେ ହୋ ଅର୍ ମିଟ୍ଟି କେ ସାଥ ଯୋଡ଼ ଦେତେ ହୋ ତୋ ଉସକୋ ସର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଲେୟାରିଂ ଦେଖୁଛ କେମିତି କରାହେଇଛି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଲେୟାରିଂ ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ ଲେୟାରିଂ ଉପର ଆଡକୁ କରା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ପୁଣି ବାହାରିବ ତୁମର ସବୁ ଚେର ଫେର ବାହାରିବ ସବୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲେୟାରିଂ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ଏୟାର ଲେୟାରିଂ ଦେଖ ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କଟ୍ ଏୟାର ଲେୟାରିଂ କଣ ଉପରେ ଡାଳଟି ଝୁଲୁଛି ତାର ଚାରିପଟୁ ଟିକେ କଣ କରାଲା କଟ୍ କରିକି ବାହାର କରାଲା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ କେପ୍ ସେପାରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟୁଥପିକ୍ ସେପାରେଟ୍ କରିଦବା ତାକୁ ମାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଜ୍ ରାପ୍ଡ ମାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଜ୍ ରାପ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ରୁଟ୍ସ
root growth ନାନ୍ତି ବନ୍ଧିକି ରଖିବା new plant is cut and planted separately ଏଇଟା ହଉଛି କଣ aerial layering ଏଇ ଟାଇପର ଏୟାର ରେ ଝୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ନେଇକି ଯଦି କରା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା aerial layering देखी पारु छ देखो एटा हला पिले एरियल लेयरिंग एटीटा ए टाइप रो झुलुथवा डाळ को कोन खराब ऊपर लेयर टा छोडे देबो तापर माटी फाटी तारो केमिकल देके लगे देबो सेटु पण नुवा चेर बाहले कोन मेन बॉडी रो कट करके आ गोडी जगह लगे परबो ओके Yes, ma'am. Layering. Next है graft. Grafting में क्या होता है? एक सियोन होता है, एक स्टॉक होता है. Usually plant को क्या है? ये एक plant है. इसको हम ऐसे cut करेंगे. Obliquely. Cut करने पे दो part आया आपका. एक तो ये और एक ये. इसको बोला जाता है सियोन इसको बोला जाता है स्टॉक तो आम रूट पार्ट रख लिया स्टेम टा यार कट करचे आमे आउ गोटे सेम स्पीसीज रो टिके भलो धरणर धर आंब कथा कहचे आंब पाया पे चाहूचे से केस रे आउ गोटे गच्छर आनिके कोन करबा आमे एठी लगे देवा सेम स्पेसिस इतबा कथा हला भलो वैरायटी आंबो या फिर आमो को जो आंबो वैरायटी भल लाउ चाने के लगेबा तो लगेबा दरा कोन हो ये बढी जीव पुनी थरी नुवा गछ होई जीव ताको ग्राफ्टिंग बोली कहा जाए लेट मी शो यू द डायग्राम ग्राफ्टिंग पुणी तुम विभिन्न प्रकार हिसाब से कट हो पार पिले गोटे दिटा देख दौर जापर तुम ग्राफ्टिंग रो देखो एट देखी पार मझी भी कट हो पारे साइड रे भी कट कर ग्राफ्टिंग द स्टेम ऑफ द प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर प्लांट And cover with grafting wax. Apple, orange, watermelon, ornamental plants, mango, सबूड़ा grafting द्वारा ही परिवो. भला variety पाइबा कम time में सिटा होची grafting रो उद्देश्य. Bud grafting is practiced in apple, peach and rose. Then final ऐसला micro propagation. क्या कोचे micro propagation मने tissue culture को ही कोचे. तो टिश्यू कल्चर पाई हमें जो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होता है यूजफुल टू ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट डिजीज फ्री प्लांट एंड होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट कोई भी वेरिएशन उसमें नहीं होगा हमें अगर बिना वेरिएशन या फिर वेरिएशन फ्री प्लांट चाहिए देन वी कैन गो विथ माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर क्विक मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट डिजीज फ्री प्लांट शॉर्ट पीरियड में नया बहुत सारे प्लांट आएंगे ये भी हो सकता है सो पहले क्या करेंगे बच्चों
कोई भी प्लांट का एक पार्ट लेंगे, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ से हो सकता है, तो जो प्लांट का पार्ट लेंगे हम उसको क्या बोला जाता है पता है, एक्सप्लांट। पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज टेकन फॉर द टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन इज नोन एज एक्सप्लांट। अभी एक्सप्लांट को लेके मीडियम प्रोवाइड करेंगे एंड उस एक्सप्लांट को यहाँ पे ग्रो कराएंगे। पहले तो वो बहुत ही क्या मास ऑफ सेल बन जाएगा, उसको हम कैलस बोलेंगे। कैलस, अभी कैलस से फिर क्या शुरू होगा, प्लांटलेट। अभी प्लांटलेट थोड़े मैच्योर होने के बाद उसको फील्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, फील्ड ट्रांसफर करिपरिबा। तो प्रथमे कौन नंबर टिश्यू कल्चर है, एक्सप्लांट। इट इज द ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीडलेस प्लांट्स, सुगर केन, बनाना, देन सीडलेस ग्रेप्स एंड, क्योंकि आपका क्या होगा कंट्रोल कंडीशन में किया जाएगा। द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट अ प्लांट कैन बी रिटेंड एंड मल्टीप्लाइड इंडेफिनेटली, बहुत बार करवा सकेंगे विदाउट एनी वेरिएशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। प्लांट प्रोड्यूस थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर जेनरेट आइडेंटिकल, पूरा कॉपी होगा एक दूसरे का, एंड दे सोल जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा बच्चों, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा। गुड क्वालिटीज ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे प्रिजर्वेशन भी हो सकता है, हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम जीन ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक प्लांट भी बना पाएंगे। मॉडिफाइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग टिश्यू कल्चर। मैम कह मैम जो एक्सप्लांट कहले सेटा कोन जो भी पार्ट नेंगे गो गछ बढे माने गछ डा ग्रो कर भी डेवलप कर परबो। आमे आगुरु टिके पढ़ ले कोन ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन रे कोन होची रूट, स्टेम, लीव्स, विभिन्न पाछरा विभिन्न पार्ट रो आमे नुआ गछ तेरी ही पड़छ कि नै। नेचुरली सेही कांसेप्ट को नबा, जो गछ रूट रही पड़छ तार रूट नै कि करबा, जहार लीफ रोची लीफ को नै कि करबा। यूजुअली बेले बेले तुम्हारो कि प्लांट ना टूटी पटे ना थाए कि प्लांटर सेल उड़ा। यस मैम, यस मैम। सेट पे आमे जो भी पार्ट नबा से सेटा इंड्यूस होला बले हार्मोन दे देवा, से हिसाब से बढ़ी जीवो। रूट को भी नहीं कि कर परबा, लीफ रो पार्ट, लीफ रो छोटा खंड टे भी नहीं परबा, स्टेम भी नहीं कि कर परबा। हला तो मैम सही सब उड़ा के तर एक्सप्लांट, एक्सप्लांट। यस मेरिट जान ले कौन वायरस लेस या फिर डिजीज फ्री प्लांट, कम टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से बहुत सारे नंबर हमें मिलेंगे। विदाउट वेरिएशन अगर चाहते हैं वो भी हो जाएगा, एंड ट्रांसजेनिसिटी भी मेंटेन कर पाएंगे अगर हमें चाहिए दूसरा कोई वेरिएंट तो। अभी डिमेरिट्स क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्रॉन टू वायरस। अभी क्या बोला, हम वायरस लेस या फिर डिजीज फ्री प्लांट पाएंगे, मिलेगा हमें, बट दीज आर वेरी सेंसिटिव प्लांट्स, हमने इनको क्या कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करवाया है, सो कभी कभी बहुत जल्दी इन्फेक्शन पास होने का चांसेस भी रहता है, सो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल डिजीज होने का चांसेस बहुत रहता है। देयर आर नो वेरिएशन, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए आपका इवोल्यूशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इनमें से। इट कॉजेस ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है बहुत कम टाइम में, तो कभी कभी ओवर क्राउडिंग होता है, हमारे पास फील्ड इतना नहीं होगा तो एक जगह में इतना सारा प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी जाए समझते क्लियर पिले, क्वेश्चन डिस्कशन किछ ता करिबा। टेन क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं।
सबको समझ में आया बच्चों? यस मैम, यस मैम, यस मैम। लेट्स स्टार्ट देन क्वेश्चन। First question, in some plants, the female gamete develop into embryo without fertilization. The phenomenon is known as dash. Parthenogenesis. Yes. Which of the following flower only once in its lifetime? Bamboo species. Bamboo species, correct. Bamboo species. Which one of the following generates new genetic combination leading to variation? Vegetative propagation. Sexual reproduction. पहले समझो क्वेश्चन को। ये पचोर्ची कोथ ने तुम्हारा वेरिएशन यही परिवापिले। वेरिएशन ना ही परिवाकत होगी थी कोई था ना असेक्सुअल कोई था ना वेजिटेटिव कोई था ना पार्थेनोजेनेसिस कोई था ना ये पचोर्ची तुम्हारा वेरिएशन हब्बा वेरिएशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक है। Which of the following pair is not correctly matched? बोलो डायनेफिसियन सार्गाशम। यस करेक्ट है क्या? नहीं, कोनिडिया पेनिसिलियम आज पढ़ा हमने, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ पढ़ी ले, आइकोर्निया राइजोम बनाना इटा भी ठीक अच्छी। ब्रजेश्वर संकेतिका इक्सिता गिरिजा समस्त बुझ पाउछ पिले साहिल रुद्रा प्राणायनी प्रकाश सुब्रम ज्योति श्वेता लीना सॉरी श्वेता सुश्री सोनालिका संतोष शाश्वती सुश्री संगीता सुकन्या बुझ पाउछ समझते product of sexual reproduction generally generates genetic combination leading to variation. New genetic combination leading to variation. तो वहाँ पे variation होगा आपका, new combination होगा या फिर genetic recombination होगा, ये सारे reward होंगे। Asexual होगा no variation, no new product, no genetic recombination, ठीक है? In oogamy, fertilization involve oogamous. ओगैमस टाइप किसको बोलेंगे? स्मॉल नॉनमोटाइल फीमेल गैमेट एंड लार्ज। देखो ओगैमस बोल रहा है मतलब एक इसमें बड़ा ही होगा ओगैमस, तो क्या होगा? लार्ज नॉनमोटाइल फीमेल गैमेट लार्ज होगा, ठीक है? हाँ, एंड स्मॉल मोटाइल गैमेट स्मॉल मोटाइल मेल। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नॉन मोटाइल पहला ऑप्शन ठीक है, बट दूसरा भी नॉन मोटाइल, दोनों ही नॉन मोटाइल हो जाएंगे तो एक के पास दूसरा आएगा कैसे? ठीक है। इसमें नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज नोन एज डैश। ग्रोथ नहीं, बॉडी नेम बेटा, अगर पता है तो बोलो, नहीं तो बोल दूंगी। आपका जो फ्रॉग है क्या होता है, एक एंड स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद लार्वा होगा, फिर जाके एम्ब्रियो लार्वा, फिर एडल्ट होगा। तो दिस टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसको क्या बोला जाएगा? मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नथिंग लाइफ forever but life continue, what does it mean? Older die but new are produced due to reproduction. Okay, the oyster cycle is character of dash. Mammalian females other than primate non-primate, दो तरह के मम्मल होते हैं,
प्राइमेट जो होते हैं एप मंकी एंड ह्यूमन, इनको हम क्या बोलेंगे, इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है बच्चों। एंड जो नॉन प्राइमेट होते हैं कुत्ते बिल्ली गाय वैस सारे, वो क्या बोलते हैं उनको, वो सारे नॉन प्राइमेट होते हैं, उनमें ऑस्ट्रो साइकिल चलता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना, नंबर 10 कर देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगावा ऑकर थ्रू अगावा में, अगावा में कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बल्बिल्स, बल्बिल्स, अगावा, तो क्या होगा आंसर, बल्बिल्स। सबका सेम आंसर है, बच्चों सबका सेम आंसर है, करेक्ट, बल्बिल्स, ठीक है। ओके, एग्जांपल सिक्स का आंसर किसका, सिक्स का आंसर ये प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन डिस्पेरेशन, हाँ नंबर सिक्स ये एटा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट ओगैमी अनिसोगैमी माने मेल और फीमेल अलग अलग थिबे अलग अलग प्रकारया थिबे ओ माने ओगैमस भी गोटे टाइप रे अनिसोगैमी कहि परबो आइसोगैमी मेल और फीमेल एक टाइप रे अलगी रो जोटा कहू छी हमें जूस पोर एक टाइप रो थिबो पूरा हला बाकी ओगैमस बहुत जगह देखा जइबो तुम्हारो बाकी जो माने स्पोर फॉर्मेशन करछन स्पोर एंजियोस्पोर हेगला या फिर तुम्हारो कोन माने कोनिडिया हला बहुत जगह रे तुम्हारो ओगैमस टाइप रो देखा जइबो जोटी फीमेल टा बड़ थिबो मेल टा छोटो थिबो नालगिरे मध्ये हो गया मस्त टाइप देखा जाए है ना क्लियर यस मैम आज एति की पढ़ीबा पले नेक्स्ट क्लास हमरो लास्ट हो माने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रो लास्ट क्लास तापर हमें स्टार्ट करबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो नेक्स्ट क्लास सल्ला परे नेक्स्ट क्लास जो इवेंट उडा अछि सेटा हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर ही पढ़ीबार अछि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रो थर्ड पोर्शन रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर ही कहिछि सब जक मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर एस्ट्रो साइकिल विस्तार भी देछि फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल कोन केप्टी पार्थेनोजेनेसिस एउडा ऊपर ठीक रे देछि तो